story of Ertugrul Gazi. Ertugrul is a very old drama. My favorite characters are Bansi Alp, Ertugrul Gazi, Turgut Alp, and Artukbe. Afsa Hatun, Seljan Hatun, or Haima Hatun, or Halima Sultan. Aur ye drama history ke bare mein, past ke bare mein, isse aap learn kar sakte hain. Thank you to Dabang Khabar TV to give me the opportunity to talk about the story of Ertugrul Gazi. Ertugrul is a very old drama, Turkish drama. It was made in 2014 and I'm watching it for like almost 2 years. I started in the end of 2019. It has 6 seasons. And why it's very interesting? Because everyone wants to learn about the past, the history, and things like that. शुरू में इस तरह होता है कि जब अर्तुगुल दिली दमीर के साथ अपनी सॉर्ट बना लेता है, फिर वो हंटिंग के लिए जाता है. जब हंटिंग के लिए जाता है तो उसको चीखें की आवाज़ें आ रही होती हैं. फिर जब उधर जाता है तो सलीबी सिपाही उनको टॉर्चर कर रहे होते हैं और वो टॉर्चर करने वाला एक कमांडर होता है, सलीबी कमांडर. जब वो टॉर्चर कर रहे होते हैं तो उधर हलीमा सुल्तान, उसके छोटा भाई और उसके अब्बू होते हैं. जब वो देखते हैं तो वो हमला कर लेते हैं. जब हमला करने के बाद जब वो कमांडर रह जाता है, अर्तुगुल उसके पेट में स्टैब कर लेता है. अर्तुगुल बेसिकली द लीडर ऑफ काई ट्राइब, हिज सन मेड द सल्तनत ऑफ उस्मानिया. एंड माय फेवरेट कैरेक्टर्स आर बंसी अल्प, अर्तुगुल गाजी, तुरगुत अल्प एंड अर्तुगबे. मेरे ख्याल में अफसा हातून, सलजान हातून और हाइमा हातून और हलीमा सुल्तान. बेसिकली हलीमा सुल्तान अर्तुगुल की वाइफ होती है, हाइमा हातून अर्तुगुल की अम्मी होती है, अफसा हातून बंसी अल्प की बीवी होती है और सलजान हातून अर्तुगुल के भाई की बीवी होती है. मैंने 2 साल पहले शुरू किया था. मैंने बीच में थोड़ा बहुत देखना छोड़ दिया था. अभी मैं अर्तुगुल सीज़न 5 पर हूँ. ये ड्रामा बहुत पुराना है. बेसिकली इस ड्रामे के अंदर तो मेरे ख़्याल से मैंने अभी देखी नहीं है, मैं सीज़न 5 पर हूँ, लेकिन शायद वो कुरुलुस उस्मान में बन जाती है सल्तनत उस्मानिया. ये अर्तुगुल के बेटों के सबसे छोटे भाई हैं और ये सल्तनत उस्मानिया के पहले बादशाह हैं जिनने सल्तनत उस्मानिया बनाई थी. दे स्ट्रगल अलॉट एंड दे कॉन्कर्ड इट, दे मेड सल्तनत उस्मानिया. सीज़न 5 में अब जब तक मैं जहाँ देख रहा हूँ, अभी एपिसोड ख़त्म किया है, उसमें सुलेमान गुलदोगदू का बेटा, अर्तुगुल का भाई, उसका बेटा उसे मार देते हैं और उससे और मंगोल कमांडर अलिनचक का सबसे अहम सिपाही जो उसके पास एक बहुत मशहूर हैट है, वो हैट इसलिए मिले थे कि उसने ज़्यादा जंग जीते थे. और वो एज अ मंगोल ट्रेडिशन कल्चर दे डू इट. जिस तरह अर्तुगुल गाजी में सीज़न 2 में मंगोल कमांडर नोयान और तंगूत लेकर जाते हैं उसे, तांगूत एंड यू कैन कॉल हिम तंगूत एंड तांगूत बहुत, वो उन्हें लेकर जाते हैं, फिर वो लकड़ी के जगह पर लेकर जाते हैं, उसके पांव पत्थर पर उसको खड़ा करवाते हैं, फिर उसके हाथ पर कील ढोकाते हैं. आई गेस इट्स द बिगेस्ट बालागे यू कैन से बोथ ऑफ दीज नेम्स. ही वाज किल्ड बाय उस्मान गाजी. Then what happened? How did he kill him? He killed him in front of Salibi princess Shehzadi, princess Sophia, Shehzadi Sophia, because he tricked them both. Then when he when Kurulus Osman damaged him, he said lot of bad words to both of them. Then what happened? Then when he got up again, Kurulus Osman smashed away his heart. Then Sophia attacked on Osman too. She had she gave a antidote
to her army that if anything hits them, nothing will happen. It will affect later. Then Kurulus Osman, after fighting, Kurulus Osman finds out how to kill them. He tells to all of his friends like Bamsi, Turgut. He said to them that hit your swords and arrows in the hearts of the army. Then they do as he said, and the army was defeated. And by the way, in one fight during when Princess Sophia army's attacks, the son of Bamsi Alp, Ibers, and you can call him Abbas in Urdu, he was killed. Guys, first ruler was Suleiman Shah, the father of the brothers. The names of the brother of Ertugrul Gazi are Sungur Tekin, Dundar Bey, and Guldogdu. Four kabila hai jisse Ottomans are related. The son of Ertugrul Gazi was also the leader of Kai tribe, and as well as the first Ottoman emperor. He was the founder of the Ottomans. Aur ye drama history ke bare mein, पास्ट के बारे में, इससे आप लर्न कर सकते हैं उस टाइम के लाइफस्टाइल, उस टाइम के कल्चर, उस टाइम के ट्रेडिशंस, इस तरह की चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं उससे. थैंक यू डबंग खबर टीवी फॉर ब्रिंगिंग मी इन दिस वीडियो. इट वाज अ प्लेजर फ्रॉम मी. थैंक यू.